हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमा किचन फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे वेज दम बिरयानी। अगर आप इस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे तो चावल बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। इसके साथ साथ ऐड करेंगे इसमें कुछ गर्म मसाले। मैंने यहाँ 3 हरी इलायची, 5 से 6 लौंगें, 8 काली मिर्चें, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची और 2 चक्री फूल लिए हैं। इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक प्याज हल्की गुलाबी ना हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ साथ इसमें 3 टेबलस्पून पानी डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और नमक। अब इसका लिड लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, बेल पेपर्स, शिमला मिर्च और गाजर। आप यहाँ अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और अब इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको ढककर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। आइए इसको खोलकर देखते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। चावलों को मैंने 80% कुक किया है। बॉईल करने से पहले मैंने चावलों को आधे घंटे के लिए पानी में सोख किया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और नमक ऐड किया है। अब इसके ऊपर हम आधे चावलों की लेयर लगाएंगे। इस तरह हमने वेजिटेबल्स के ऊपर चावलों को स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब इसके ऊपर हम अपने बचे हुए चावलों की भी लेयर लगा देंगे। इस तरह हमने अपने सारे चावलों को इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर डालते हैं हम कटी हुई हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई बेल पेपर्स डालेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी और 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। इससे हमारे चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे और लिड के होल को डो से हम सील कर देंगे। अब इसको स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक दम करेंगे। आइए इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आइए इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं इसको यहाँ बूंदी के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। होप यू लाइक इट।